मैं भी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे प्लेटफॉर्म एक की तरफ। इधर ही आपका हनुमान मंदिर पड़ता है जो कि बहुत ही बिहार के लिए फेमस जगह है। और यहाँ सामने देख रहे हैं ओवरब्रिज, और इधर जो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सामने में दिख रहा होगा उधर बुद्धा पार्क है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा पटना के जंक्शन के बगल में ही सस्ता में खाना मिलता है और सस्ता में आपको ये भी मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ऐसा व्यू है। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे इधर चलेंगे बाएं साइड, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सिटी सेंटर होटल दिख रहे हैं, यहाँ पे जो है पनीर भी सस्ता है, आपको मिलेगा पनीर का एकदम मंडी है, मार्केट है। कैसे सा पनीर हो? कैसे सा पनीर? तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे भीड़ लगा हुआ पनीर का। कैसे पनीर दे? हाँ, 200। उधर 160 दे। कैसे पनीर दे? पनीर कैसे दे? कितना लोगे? 1 kg। 200 kg। तो उधर 160 रुपया दे रहे हैं। तो उधर ले लीजिए ये पनीर। ये चीज़ बात थोड़ी हो जाएगा भैया, नहीं देख रहे हैं ये चीज़ अलग है। हाँ, क्वालिटी अलग है, क्वालिटी अलग है। गलत केना नहीं बोले छो तू? कितना में दो बताओ ना सही मालिक? कत्ते रुपया बोलो मालिक? के जी बताओ तू? वो है बेटा तू। क्या क्या रुपया? 50 ग्राम। वजन सही छो? हाँ, 50 ग्राम। तो ये जो है पटना जंक्शन के बगल में ही पड़ता है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। भोजन भी बहुत सस्ता है, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग बैठे खा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भावा शाह भोजन सेवा केंद्र, मात्र 15 रुपया में थाली, चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, अचार, 5 रोटी, ये सब मिल सकता है आपको। और मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। यहाँ पे पहले आइएगा तो आप टोकन कटाइएगा, उसके बाद भोजन आपको प्राप्त होगा। इस तरह से खाइएगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दिन के हिसाब से साप्ताहिक मेनू खाना मिलता है यहाँ पे। ये देखिए ये नज़दीक से सादा खाना 15, अंडा चावल 25, मछली 40, मुर्गा 40, इस तरह से लिखा हुआ। और यहाँ इस तरह का व्यवस्था है। मैं अब जा रहा हूँ जंक्शन पे ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे वापस फिर बेगूसराय जाना है। इधर से ही वापस होना होगा। आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। यह पनीर मार्केट, अभी मैं खरीदा हूँ पनीर। ये देखिए मैं फिर आ गया हूँ, यहाँ स्टेशन पे जा रहा हूँ। अब मुझे ट्रेन लेना है इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि पटना से खगड़िया बेगूसराय मोकामा होते हुए बेगूसराय को जाती है सिमरिया पार करके। तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देखें यहाँ पे अगर आप आते हैं पटना जंक्शन पे तो सस्ता में भोजन भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा बहुत कम है तो। यदि आपके पास पैसा बहुत सारा है तो जन्म करते हैं आपके लिए बहुत सारा होटल खुला हुआ है, आप वहाँ भी खा सकते हैं। बस सस्ता खाना के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। मैं जो अभी दिखाया था वहाँ पर आपको 15 रुपया में खाना मिल जाएगा सादा खाना। अगर आप चिकन खाइएगा 40 रुपया, मछली भी 40 रुपया, और अंडा आपको 25 रुपया मात्र खिला देगा। ये पटना जंक्शन का व्यू है गेट नंबर 2 का, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए ये भाई साहब का दाले गिर गया। यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खड़ा झंडा झंडा लेके। यहाँ पे मैं आपको दिखाया था कि गांधी मैदान के पास जो है प्रदर्शन हुआ था, उसका भी वीडियो पूरा मेरे मोबाइल में कैद है, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए भगवान बुद्ध को, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो। देखिए कितना शानदार है एरोप्लेन का